Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. पैरेलल सिनेमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले दिग्गज एक्टर फारूक शेख का जन्म गुजरात के अमरोली में 25 मार्च 1948 को हुआ था। पांच भाइयों और बहनों में फारूक सबसे बड़े थे। उनके पिता मुस्तफा शेख मुंबई के जाने माने वकील थे। उनका इरादा भी पिता की तरह विरासत यानी कि वकालत के क्षेत्र में काम करना था, लेकिन वकील बनने के बाद उन्हें ये काम जमा नहीं तो फिर उन्होंने ये काम छोड़ दिया। फारूक ने मुंबई के सेंट मैरी स्कूल में पढ़ाई की थी। उस दौरान वो पढ़ाई के साथ नाटकों और खेलकूद की गतिविधियों में जमकर भाग लेते थे। उन्होंने कॉलेज के दौरान भी एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ा। जब वकील का काम नहीं जमा तो थिएटर में रुचि बढ़ गई। उन्होंने कई नाटकों में एक्टिंग की। उनकी एक्टिंग को देखकर उन्हें गर्म हवा फिल्म ऑफर हुई थी। गर्म हवा का निर्देशन डायरेक्टर M.S. सेथ्यू कर रहे थे। फिल्म ऑफर देने के दौरान ये शर्त रखी गई थी, उन्हें काम करने के लिए कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। बता दें कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद फारूक को कई फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे थे। फारूक शेख ने फिल्मों में काम करने के साथ टीवी के लिए काम भी किया। उनका शो जीना इसी का नाम है काफी मशहूर हुआ था। शो में उन्होंने कई सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लिया था। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, बाजार, कथा, चश्मे बद्दूर और क्लब 60 जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में उन्होंने काम किया। 28 दिसंबर 2013 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से फारूक शेख का निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।